हे hey, क्या हाल चाल गाइस। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में आप लोग को ना मेरे भाई एकदम हिचड़ी स्मूथ सिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग इस फोटो को देख सकते हैं, इस फोटो को आप लोग देख सकते हैं मेरा कितना बवाल तरीके एकदम हिचड़ी फेस स्मूथ हुआ है। आज के वीडियो में ना ओनली वन स्टेप में मैं इधर ऑटोडेस्क में ओनली फेस स्मूथ आप लोग का ट्रिक देने वाला हूँ। जो ट्रिक आज का आप लोग को देने वाला मेरे जान यूट्यूब पर आप लोग किसी ने भी ये ट्रिक के साथ आज के वीडियो में आप लोग को नहीं बताया होगा, किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना मेरे जान। एंड आप लोगों से कान पकड़ के आप लोग से माफी चाहता हूँ कि उतने दिनों से मैं अपना फेस कैम का वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मैं कुछ परेशानी में था मेरे जान। इसके लिए आप लोगों से कान पकड़ के माफी चाहता हूँ। एंड आज का वीडियो जो है ना आप लोग एंड तक जरूर देख लेते हो मेरे जान। तो जो आज के आप लोग को ट्रिक बताने वाला उस ट्रिक को ना आप लोग वन वीक तक मतलब एक हफ्ते तक ना आप लोग रेगुलर ट्राई करोगे ना, आप लोग डेली एक फोटो लेना एंड वन वीक तक उसके ऊपर वो ट्रिक अप्लाई करते रहना, तो वन वीक के नेक्स्ट डे के बाद आप लोग भी ना एकदम मेरे तरह एचडीआर फेस स्मूथ करना सीख जाओगे। ये आप लोग का भाई ना 100 में 100 गारंटी के साथ कहता है। एंड चैनल को पहले तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। चलो चलते हैं अपने होम स्क्रीन के ऊपर। सो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को अपना जो ओरिजिनल फोटो रहेगा वो अपने स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना है। एंड आप लोग का जो फर्स्ट स्टेप रहेगा मेरी जान वो स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर ही होगा। तो सबसे पहले मेरी जान आप लोग को कुछ नहीं करना होगा, आप लोग को इस वाला आइकॉन के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आप लोग को प्लस वाला आइकॉन के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आप लोग को एक एम्प्टी लेयर ओपन होगा, तो सिंपली उस वाले लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग को ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ से सिंपली इसे सॉफ्ट लाइट कर लेना है। एंड इसकी ऑपोसिटी अपने हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल रख लेना, तो यहाँ से मैं 70 के आसपास रख लेता हूँ। एंड यहाँ से आप लोग को चले जाना होगा कलर वाले आइकॉन पे। एंड आप लोग यहाँ से ना व्हाइट कलर आपके मर्जी से जो चाहे ना आप लोग व्हाइट कलर ले लेना, तो सिंपली मैं यहाँ से मेरी जान ले सकता हूँ। एंड आप लोग ना इसकी सेटिंग देख लेना मेरी जान, कुछ इस टाइप से आप लोग भी ना इस टोन को रख लेना। एंड आप लोग अगेन ब्रश वाला आइकॉन पे आप लोग कुछ चले जाना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपने फेस को व्हाइट करने वाले, तो आप लोग देखना मेरी जान ट्रेडिशनल में दूसरे नंबर पे तीसरा वाला ब्रश आप लोग को ले लेना होगा। एंड इसकी सेटिंग आप लोग देख सकते हैं। एंड आप लोग ना अपने फेस को ना हल्के हाथों से जूम करना एंड कुछ इस टाइप से अप्लाई करना, देखना मेरे जान एकदम जादू होगा। आप लोग को ना कुछ इस टाइप से अप्लाई करने के बाद ना आप लोग का ना जो ब्लैक ब्लैक सा प्रॉब्लम रहता है ना मेरे जान वो एकदम बिल्कुल ही खत्म हो जाता है इसके मदद से। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। फेस स्मूथ का ब्रश भी आज के सामने आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, तो आप लोग भी ना मेरी जान इस टाइप से आप लोग भी ना आराम आराम से अप्लाई करना मेरी जान, ओके। एंड फेस स्मूथ जो दिखाने वाला हूँ ना मेरी जान आज के वीडियो में, काशी आज तक आप लोग को यूट्यूब पर किसी ने वो ट्रिक के साथ बताएगा, तो आप लोग यहाँ से इसकी ऑपोसिटी भी अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से 100 रख दे रहा हूँ। एंड आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से अपने एडजस्ट कर लेना मेरी जान। एंड यहाँ पर देख सकते हो मेरी जान एकदम ब्लैक ब्लैक सा, जहाँ जहाँ ब्लैक सा था वहाँ वहाँ से हमारा ब्लैक सा हट रहा है। तो आप लोग भी ना इतना सा प्रोसेस आप लोग को करते रहना है मेरी जान। एंड आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। एंड मेरी जान आप लोग देख सकते हैं कितने बवाल तरीके से कहाँ कहाँ पर भी ब्लैक सा था वहाँ वहाँ से हमारा ब्लैक सा हट रहा है। तो आप लोग को भी इतना सा प्रोसेस एकदम आराम आराम से करते रहना है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना मेरी जान। फेस स्मूथ भी आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, जो ट्रिक के साथ बताऊँगा ना मेरे आज से यूट्यूब पर किसी ने आपको नहीं बताया होगा। एंड आप लोग देखना मेरी जान वो ट्रिक जो बताऊँगा ना उसको आप सिर्फ वन वीक फॉलो करेंगे ना मेरे जान, तो आप लोग भी ना आपके भाई के जैसा आप लोग भी फेस स्मूथ ना करना सीख जाओगे। सो आपको इतना सा प्रोसेस कर लेना है, देन आफ्टर आप लोग को फेस स्मूथ के लिए अगेन इस वाला आइकॉन के ऊपर क्लिक करना होगा। एंड आप लोग का जो फोटो का लेयर होगा तो सिंपली उस वाले लेयर पे क्लिक करना। एंड यहाँ से आप लोग को डुप्लीकेट लेयर जरूर बना लेना है। एंड आप लोग कभी फेस स्मूथ कराना तो डुप्लीकेट लेयर जरूर बना लेना। तो देन आफ्टर यहाँ से आप लोग को ब्रश वाले सेटिंग पे चले जाना। आप लोग को आज मेरा पर्सनल ब्रश देने वाला हूँ मेरे जान, पर्सनल ब्रश। तो सिनेटिक्स पेंट्स में आने के बाद पहले नंबर पे तीसरा वाला ब्रश आप लोग को ले लेना है। एंड मेरी जान यही रहा मेरा सेटिंग, जो सेटिंग मैं हमेशा से यूज़ करते आ रहा हूँ यही मेरा सेटिंग है मेरी जान। 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस सेटिंग में, तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना। एंड मेरे प्यारे भाइयों आप लोग भी इस टाइप से फेस को जूम करके हल्के हाथों से आप लोग स्मूथ करना मेरे जान, ओके। एंड देख सकते हो कितने भौकाल तरीके से हमारा यहाँ पर फेस स्मूथ होना स्टार्ट हो चुका है, एकदम हल्के हाथों से अप्लाई करना मेरे प्यारे भाइयों। तो आप लोग भी ना इतना सा प्रोसेस करते रहना है,
सो आप लोग देख सकते हैं कितना हार्ड एंड कितना बवाल तरीके से यहाँ पर हमारा फेस भी स्मूथ हो रहा है। तो जो भी बता रहा हूँ मेरे जान एकदम रियल ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, आप लोग के आँख के सामने मैं बता रहा हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। एंड आप लोग के सामने मेरा 5 साल का जो एक्सपीरियंस है स्मूथ में, तो वो भी आपके सामने मैं आज के वीडियो में आप लोग को बता दे रहा हूँ। एंड मेरा पर्सनल ब्रश का सेटिंग भी बता दिया हूँ मेरे जान, आज तक कोई यूट्यूबर अपने पर्सनल ब्रश का सेटिंग नहीं बताता है, क्योंकि उन लोगों को पता रहता है मैं पर्सनल ब्रश का सेटिंग नहीं बताता हूँ, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोग का भाई आपके सामने अपना खुद का पर्सनल ब्रश का सेटिंग आप लोग के सामने मैं दिखा दिया हूँ। सो इस सेटिंग को आप भी अप्लाई करके अपने फोटो के ऊपर स्मूथ करना मेरे जान, मैं 100 में 100 गारंटी लेता हूँ ना कि आप लोग का स्मूथ बिना एकदम हार्ड होगा एंड HDR में होगा, क्योंकि वो मेरा एकदम पर्सनल ब्रश था मेरे जान, जो मेरे प्यारे भाइयों के लिए मैं दिखा दिया था आप लोग को। सो देख सकते हैं मेरे जान कितना इजी एंड कितने बवाल तरीके से हमारा यहाँ पर फेस स्मूथ भी हो रहा है। आप लोग भी इतना सा प्रोसेस करते रहना मेरे जान। एंड आप लोग बोलते थे ना कि मेरे फेस के ऊपर ब्लैक सा जाता है, इस ट्रिक के बाद आप लोग के फेस के ऊपर ना मेरे जान कहीं पर भी ब्लैक सा नहीं आएगा, इसकी गारंटी ना आप लोग का भाई लेता है। सो आप लोग भी ना ये ट्रिक को ना सिर्फ 1 वीक फॉलो करना मेरी जान, 1 हफ्ता आप लोग फॉलो करते रहना एंड रोजाना एक फोटो के ऊपर कुछ इस टाइप से आप लोग ना फेस स्मूथ सीखते रहना, खाली 1 हफ्ता आप लोग को सीखना है मेरी जान, उसके बाद ना आप लोग भी ना HDR फेस स्मूथ के ना किंग बन जाने वाला हो मेरी जान, एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एकदम आप लोग भी ना किंग बन जाओगे। सो मेरी जान एकदम आपके आँख के सामने मैं फेस स्मूथ एंड फेस वाइट करके दिखा दिया हूँ, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, देन आफ्टर हमारा कितना ब्लैक सा था एंड कितना वाइट सा हो गया है। आशा करता हूँ मेरी जान आज का वीडियो ना आप लोग काफी ज्यादा पसंद आ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय।